ऐसा लेक्चर है कैसा लेक्चर। सो आज का लेक्चर एक ऐसा लेक्चर है जिसको स्किप तो बिल्कुल नहीं किया जा सकता है, और ये जो डबल टैप करके आप 10-10 सेकंड बढ़ाते हैं ये तो बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता है। तो आज का लेक्चर पूरा देखना बहुत ज़रूरी है अगर आप एक वास्ट करियर ग्रोथ चाहते हैं, एक सडन ग्रोथ चाहते हैं, सडन सक्सेस चाहते हैं अपने पियानो प्लेइंग में, सडन इम्प्रूवमेंट देखना चाहते हैं अपने पियानो प्लेइंग में, तो आज का लेक्चर जो है वो रामबाण लेक्चर है। तो नमस्कार, मेरा नाम है अर्पित, आप देख रहे हैं अल्टीमेट पियानो कोर्स की पूरी सीरीज़ मेरे चैनल अभी म्यूज़िक पर। सो देखते रहिए, आज का लेक्चर होने वाला है टेम्पो के ऊपर, ताल के ऊपर, मापनी के ऊपर। अगर हिंदी में कहा जाए शुद्ध तो इसको मापनी कहेंगे टेम्पो को। सो टेम्पो क्या है? टेम्पो को पहले नॉर्मल डिफिनेशन समझेंगे। टेम्पो इज जस्ट स्पीड ऑफ एनी पीस ऑफ म्यूजिक। अगर हम अभी म्यूजिक के सिनेरियोज बात कर रहे हैं तो टेम्पो म्यूजिक के हिसाब से मैं बताऊंगा कि टेम्पो इज जस्ट एनी पीस ऑफ म्यूजिक, स्पीड ऑफ एनी पीस ऑफ म्यूजिक। लाइक अगर मैं बजा रहा हूँ आपने देखा स्टार्टिंग में स्पीड ज्यादा थी, धीरे धीरे धीमे हो गई स्पीड, ये है टेम्पो फ्लक्चुएशन। टेम्पो को मैंने फ्लक्चुएट किया, मैंने जाते समय स्पीड को तेज लेके गया, लाते समय स्पीड को धीमे लेकर आया, ये होता है टेम्पो का फ्लक्चुएशन मैंने जो किया। इसी वजह से हमारी जो कीबोर्ड प्लेइंग है वो नेक्स्ट लेवल पे लगती है, वो कुछ अलग ही लेवल पे लगती है और कुछ तगड़ी लगती है। टेम्पो को समझें कैसे, अब हम किस टेम्पो प्रैक्टिस करें? टेम्पो को समझना बहुत आसान है। पहले टेम्पो को आप हिंदी में समझ लें। टेम्पो को हिंदी में ताल कहते हैं। ताल अगर क्लासिकल म्यूजिक के हिसाब से मैं बात करूं तो क्लासिकल म्यूजिक के हिसाब से मात्राओं के हिसाब से होता है, लाइक 16 मात्रा, 14 मात्रा, 15 मात्रा, इस हिसाब से मात्राओं के हिसाब में नापा जाता है। और अगर नॉर्मल वेस्टर्न म्यूजिक की बात करूँ या फिर म्यूजिक में जो ज़्यादा चल रहा है वैसे कोई मात्राओं में आजकल तो नहीं नाप रहे हैं, आजकल लोग BPM में ज़्यादा नापते हैं, बीट्स पर मिनट, एक मिनट पर कितनी बीट आ रही है। लाइक अभी अगर मैं दिखाऊं आपको, मेरे कीबोर्ड पे है 120 टेम्पो और मैं इस पे मेट्रोनोम देता हूं, सो इसका मतलब ये कि मतलब ये 120 बीट्स यानी 120 बीट का पीस जो है वो एक बार में आ रहा है पर मिनट, हर मिनट पे 120 बीट, 120 बीट्स पर मिनट, BPM का मतलब यही होता है, ठीक है। टेम्पो को अब हम कैसे समझें? हमारा ऑफ टेम्पो चला जाता है, हम बजाते रहते हैं, ये भी टेम्पो पे था लेकिन एक मिनट रुकिए, खराब नहीं कर पा रहा हूँ। सो देखिए टेम्पो पे हम कैसे बजाएं? टेम्पो पे बजाने की दो सबसे बड़ी टेक्निक होती है, अगर आप एक वोकलिस्ट हैं तो वैसे तो वोकलिस्ट पहली बात तो इस लेक्चर को देखें, और अगर देख रहे हैं तो भाई आपका पहले बहुत बहुत धन्यवाद। और वोकलिस्ट है तो ये थाई पर आप अपने टैप कर सकते हैं लाइक कुछ ऐसे, एक मिनट मैं इधर से मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, आप थाई आप थाई पर भी कर सकते हैं, मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, आप थाई पर भी कर सकते हैं। इससे आपको एक टेम्पो का पता चलेगा कि हाँ कौन सी टेम्पो पे चल रहे हैं। और अगर आप मान लीजिए दोनों हाथ डबल हैंड प्लेइंग होती है पियानो में, तब हम कैसे नापेंगे? सो हम फुट टैप कर सकते हैं। वैसे अगर आप एक अच्छे पियानो प्लेयर हो जाते हैं तो आपके दिमाग में वो गाना सुनते ही उसका टेम्पो फिट हो जाएगा कि हाँ कितने टेम्पो पे, लाइक ये मेरे दिमाग में है कि अगर ये पीस बजाऊंगा मैं तो इस पे यही स्पीड जाएगी, तो अगर मैं इसको धीमा करके बजाऊंगा, आप कह रहे होंगे भैया ये सब तो हमको ही पता है, कोई भी पीस हम बजा रहे हैं, कोई भी म्यूजिक हम बजा रहे हैं वो तो हम भी टेम्पो पर बजा लेते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है। टेम्पो पर बजाना और कंसिस्टेंसी बनाए रखना ये जरूरी है। बजाना तो कोई बजा सकता है, लाइक अगर कोई चीज आ रही है मैं मान लीजिए 120 मेट्रोनोम में, इसी को अगर टेम्पो बढ़ा दिया जाए ऐसे होता है। टेम्पो का फ्लक्चुएशन जो होता है वो सीखने के लिए हमें टेम्पो की नॉलेज होना बहुत जरूरी है। सो जो म्यूजिक का टेम्पो है आप उसको पैर से टैप कर सकते हैं, लाइक
ये मान लीजिए ये मेरा पैर है, तो आप ऐसे ऐसे आप टैप करके टेम्पो को आराम से समझ सकते हैं। टेम्पो समझना बहुत ज़रूरी है, किसी गाने को बजाने से पहले उसका टेम्पो समझ लें, उसको टैप कर लें, क्योंकि उससे क्या होता है ना कि हमें एक बहुत अच्छा सा ग्लांस मिलता है और गाना एक अलग ही निखर के आता है, ठीक है। तो अगर आपके पास मेट्रोनोम का फीचर नहीं है, आप एक छोटे कीबोर्ड बजा रहे हैं, तो निराश मत होइए। गूगल पर अगर आप सर्च करते हैं मेट्रोनोम नाम से, तो आपको एक स्लाइड मिल जाएगी, आप उसको प्ले करके मेट्रोनोम को यूज़ कर सकते हैं। नॉर्मली आप जनरली कोई भी जो मैंने अलंकार आपको बताया है, जो आपको मैंने सुरज्ञान बताया, कुछ भी बताया है, उसको आप 120 टेम्पो पर बजाएं, वो 120 टेम्पो पर उसकी कंपोजिशन बेस्ड है, ठीक है। तो चलिए आज के लेक्चर में इतना ही, मिलता हूँ किसी और लेक्चर में, किसी और कवर सॉन्ग में, किसी और तगड़ी वीडियो में, तब तक लें।